क्या सब्जियां काटते वक्त आपको इस बात की जरा भी आशंका रहती है कि उसमें सांप हो सकता है? जी हाँ, सोशल मीडिया में ऐसा ही डराने वाला दावा करता एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फूल गोभी के अंदर जहरीला सांप होने का दावा किया जा रहा है। चलिए करते हैं इस वीडियो की भी पड़ताल। फूल गोभी में जहरीले सांप का सच। आपकी पसंदीदा फूल गोभी को लेकर बड़ा ही डराने वाला एक दावा किया जा रहा है। दावा क्या है वो जानने से पहले जरा 2 मिनट 5 सेकंड के इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में एक महिला गोभी का छोटा सा फूल अपने हाथ में पकड़े हुए है जिसे वो चाकू की मदद से बारीक काटने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे ही वीडियो 10 सेकंड तक पहुंचता है गोभी के कटे हुए फूल में एक काली चीज दिखाई देती है। सवाल है कि आखिर ये है क्या? वायरल वीडियो का एक एक सेकंड आगे बढ़ता रहता है और इसी के साथ वीडियो में नजर आ रही काली चीज साफ साफ दिखाई देने लगती है। वीडियो का 50वां सेकंड आते आते सब कुछ कैमरे के सामने आ जाता है। अब जरा वो दावा भी सुन लीजिए जो इस वीडियो को लेकर लोगों के बीच खौफ पैदा कर सकता है। ये देखिए गोभी के फूल में कैसे सांप छुपा हुआ है, और आज के बाद आप लोग भी ध्यान से फूल गोभी खाइए। ये देखिए मैं आपको, हमने सारी गोभी काट ली थी जब हमें ये नज़र आया सांप, छोटा सा सांप का बच्चा है। प्लीज़ आपसे हम शेयर कर रहे हैं। ये देखिए मैं कैसे उसको दिखा रही हूँ आपको। ये देखो ये अंदर चला गया है सांप। प्लीज़ अच्छे से चेक करके नौकरों से कटिंग मत करवाइए गोभी। ये देखिए आपको नज़र आया होगा। ये देखिए मैं कैसे कटिंग करके सांप को दिखा रही हूँ। ये देखिए वायरल हो रहा है 1 मिनट 24 सेकंड का पूरा वीडियो आप देख चुके हैं। अब सवाल उठता है कि क्या वायरल वीडियो में नजर आ रहा सांप ही है? क्या सांप इतना छोटा भी हो सकता है कि गोभी के छोटे से फूल में घुस जाए? और सवाल ये भी कि क्या वीडियो में नजर आ रहा सांप इतना जहरीला हो सकता है कि पेट में जाने पर जानलेवा साबित हो सकता है? यकीनन वायरल हो रहा वीडियो और उसके साथ किया जा रहा दावा दोनों डराने वाले हैं। चिंता की बात यह है अगर ये सांप ही है और गलती से खाने में पक जाता है तो खाने वाले की हालत क्या होगी। चूंकि ये वीडियो आम लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब जानने की कोशिश की। सबसे पहले इस वायरल वीडियो को लेकर हमारी टीम पहुंची वनस्पति एक्सपर्ट के पास और ये जानने की कोशिश की कि क्या फूल गोभी की सब्जी में सांप दाखिल भी हो सकता है। आखिर वायरल वीडियो में नजर आ रहे कथित सांप का सच क्या है? सुनिए जरा हमें बताया क्या गया। गोभी क्योंकि खेतों के अंदर होती है और खेतों में सांप वगैरह निकलना या छोटे कीड़े केचुए इस तरह के वर्म लाइक ना कीड़े होना स्वाभाविक है, तो इस वीडियो को देखते हुए ये लग रहा है हो सकता है कि कोई रेप्टाइल प्रजाति का कोई एनिमल जिसने अपने अंडे, क्योंकि रेप्टाइल है ना प्रथम स्थलीय है जो कि अंडे देते हैं, और उन्होंने हो सकता है कि इसमें अपना अंडा दिया हो और अंडा देने की वजह से कुछ समय के बाद में अंडे से ये सांप निकल के आ गया हो। वनस्पति एक्सपर्ट ने हमारे संवाददाता को जो बताया वो कहीं ना कहीं वायरल हो रहे दावे को सही साबित कर रहा था, लिहाजा पड़ताल के अगली कड़ी में हमने एक स्नेक एक्सपर्ट की मदद ली और ये जानने की कोशिश की कि वीडियो में नजर आ रहा जीव अगर सांप है तो क्या ये इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है? गोभी में आपने देखा तो वो एक या तो केंचुला है जो वीडियो में दिख रहा है, जो कि आराम से हर खेत में गीली मिट्टी में आराम से आप खोदेंगे तो मिल जाता है, या वो कॉमन ब्लाइंड स्नेक है जो कि भारत का सबसे छोटा साइज का सांप है, और ये इसमें कोई भी प्रकार का विष नहीं होता, विषहीन सांप है और इंसानों के लिए कोई भी इसमें घातक विष नहीं होता। तो हमारी पड़ताल और एक्सपर्ट के बयान से वायरल हो रहे दावे पर मुहर लगती है, लेकिन हम ये भी साफ कर देना चाहते हैं कि आप थोड़ी ही सावधानी रखने से इस तरह के कीट स्नेक से आसानी से बच सकते हैं। इसीलिए जब भी सब्जियां काटे रोशनी में ही काटे और सब्जी काटने के बाद उसे ठीक से धोना ना भूलें। टीम न्यूज़ नेशन।